पैंसे गारमेंट एंड मेंस वेयर, शादी ब्याह के मौके पर शेरवानी, थ्री पीस, पैंट शर्ट, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खुली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आराम से बोल बेटा। मेरे अब कोई कसूर था, मुझे साफ चाहिए। मेरा अब कोई कसूर नहीं था, जिसने मारा वो बहुत बड़ा गुनहगार है, उनको आग में सजा मिलनी चाहिए। 9 मई को वाली साहब का मगरिब टाइम इंतकाल हुआ और 9 तारीख को ऐशा के टाइम पे और भाई को गोली लगी, तो मेरे लिए 2 सानिया पेश आना मेरे लिए मामूली नहीं था, क्योंकि मेरा भाई जो बेगुनाह था तो बेगुनाह को गोली मारी गई है। बेगुनाह को गोली मारी गई, वो इसमें कोई इसमें शामिल नहीं था। वो इतना बोलिंग लिए गया था कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, आप उधर जाकर झगड़ा कीजिए, तकरार कीजिए। इस बिना पर कि जो मसूद गांजे वाला ने मेरे भाई को जो गोली मारी है वो डायरेक्ट गोली मारी है, मेरे भाई को जो गोली मारी है डायरेक्ट गोली मारी है, तो मैं ये चाहूँगा कि उनकी जो जो धाराएँ लगती है वो पूरी धाराएँ लगना चाहिए। किसी किस्म का केस कमज़ोर होना नहीं चाहिए, जितनी भी धाराएँ हैं वो लगना चाहिए, क्योंकि मसूद गांजे वाले ने मेरे भाई को इन्हें गोली मारा है, डायरेक्टली मारा है, जबकि वो बेगुनाह था, ना कि बहस कर रहा था वो, ना कुछ, बस इतना बोल रहा था कि वालिद साहब के जो इंतकाल हो गया है आप यहाँ लोग मतलब कुछ बकबक तक तक मत कीजिए, तो इसी से निकाल कर उसने जो है तो उसको गोली मारी है। तो मुझे सिटी PI सनब साहेब और SP अंकित भारती साहब से बहुत उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि वो मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा ना हो कि बस जज्बात में मुझे कोई FIR की गई है और उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं PI साहब हैं, SP साहब हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता क्राइम के ताल्लुक से, लेकिन उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है, मालेगांव में भी हेल्प किया है, शिफा हॉस्पिटल में और नासिक तक उन्होंने काफ़ी मतलब मुझे हेल्प प्रोवाइड किया है। यहाँ तक कि अभी जब मेरे भाई का नासिक में 4:45 सुबह इंतकाल हुआ, तो उस वक्त तो सनब साहब ने यहाँ से API स्पेशल भेजा मेरी हेल्प के लिए, पंचनामे के लिए, और बहुत वहाँ पे मुझको हेल्प की। ऐसी मुझे आगे भी उम्मीद है कि वो साहब हेल्प करेंगे, SP साहब है, PI साहब है, API है, और जिन लोगों ने भी मेरे सहने पर मेरे भाई बंद है, मेरे भाई है खलील मिलन है, और बहुत सारे मेरे इकबाल भाई है, मंजूर भाई है, बहुत लोगों ने मतलब मेरे नासिर मिलन होटल वाले हैं, इन्होंने मतलब मेरा जी जान से हेल्प की है, मुझे हौसला दिया। मैं तो उस हौसले के चलने के काबिल भी नहीं था, 2 कदम चल सकूँ इस सानिया के लिए। मेरे लिए 2 सानिया पेश आना आप लोग समझ सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बयान नहीं दे सकता, मैं अभी उस मूड में या मेरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि मैं तकरीबन 3 दोस्त से जागा हूँ और भाई को अकेला संभाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जाग कर भी अभी मैंने इस वक्त PM भी करवा लिया, यहाँ पर लेकर आ गया, तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि मुझे PI साहब से, पुलिस वाले से इंसाफ चाहिए, आरोपी छूटना नहीं चाहिए, और ना ही तुम्हारी जो FIR में या जो भी उसकी कंप्लेन मतलब कमज़ोरी नहीं रहना चाहिए। जो हेल्प लगेगी मैं हर हेल्प करने के लिए तैयार है, मेरा भाई बेगुनाह था, मुझे इंसाफ होना चाहिए। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक बेवा बीवी है, और उसकी कोई मतलब खुद का घर भी नहीं है उसका, और अब एक बच्चे की शादी भी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई है, ये है वो है, तो हम कैसे माहौल में कैसे जी रहे हैं, अभी कैसे झेल रहे हैं। बस मैं ये उम्मीद करूँगा कि गांव से क्राइम ख़त्म हो, और क्राइम बेगुनाहों को ऐसा अगर कभी मारेगा, अब क्राइम बेगुनाहों को ऐसा सज़ा देगा, तो ये गांव का क्या हाल होगा आप ही जान सकते हैं। मैं फिर PI साहब, सनब साहब, SP साहब, अनिकेत भारती साहब, इनसे मैं उम्मीद करता हूँ। हालांकि मैं ये सोचा था कि साहब को यहाँ बुलाऊं और उनसे कुछ आश्वासन लूं, लेकिन मैं उस केस पर नज़र भी है हमारी, खलील भाई की, हमारी आसिर भाई की, भाइयों की नज़र भी है, क्योंकि उस वक्त हमारा पहला प्रोजेक्ट था कि हमारे भाई की जान बचाना, ताकि वो आरोपी है कोई उधर से कोई वो ना, मगर PI साहब ने बहुत हेल्प की, उन्होंने बहुत मदद की, और
हर मामले में उन्होंने हॉस्पिटल हो गया जो अभी जैसी भी थे उन्होंने बहुत बहुत हमारे किए। तो मैं आगे के लिए भी कहूँगा कि आरोपी छूटना नहीं चाहिए, आरोपी को जन्म ठेप होना ही चाहिए। अगर जन्म ठेप नहीं हुआ, अगर कोई बात आती है, अगर पता चलता है कि यार कोई FIR में या PC में कुछ हुआ है, तो फिर मैं इंसाफ के लिए फिर उनके बाल बच्चों लेकर कहीं तक भी जा सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है PI साहब से, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, नासिक तक कोऑपरेट किया मेरा। उन्होंने स्पेशल अपना API भेजा, पंचनामा तैयार किया, तकरीबन 4:15 से मैं वहाँ इंतकाल, 9 से वहाँ जब वहाँ आए तो उन्होंने बहुत हेल्प की और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे इंसाफ की बहुत उम्मीद है कि मुझे इंसाफ चाहिए।